फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ऑटो एक्सपो 2020। और ये जो आप व्हीकल मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है टाटा नेक्सॉन ईवी का सबसे बड़ा राइवल। हाँ जी, आप देख रहे हैं महिंद्रा की eXuv300, जो कि महिंद्रा ने लॉन्च की है सब 4 मीटर स्पेस में टाटा नेक्सॉन ईवी के अगेंस्ट। तो ये है फ्यूचरिस्टिक लुक eXuv300 का। बहुत ही एक यूनिक सा एक स्टाइल दिया गया है इसको। फ्रंट से देखिए इसको, अनलाइक टाटा, महिंद्रा ने eXuv300 को फ्रंट से बहुत ही एक फ्यूचरिस्टिक लुक देने की कोशिश की है। क्योंकि फ्रंट एंड से अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में रेडिएटर्स नहीं होते, तो फ्रंट की ग्रिल को आप क्लोज रख सकते हैं, और महिंद्रा eXuv300 में आप ऐसा ही कुछ उसमें लुक देखेंगे। आफ्टर प्रोडक्शन क्या इसको लुक चेंज करते हैं ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, पर फ्रंट से आप इसको रेडिएटर ना होने की वजह से फ्रंट ग्रिल आप इसकी क्लोज भी रख सकते हैं। और जो इसकी हेडलैम्प्स हैं वो बहुत ही एक अट्रैक्टिव लुक दी है, उसको डायमंड शेप दी गई है। और इसमें जो डायमंड शेप्ड हेडलैम्प्स हैं उसमें साथ में इंडिकेटर्स का काम भी करते हैं, और एक जो ब्लू एसेंस दिया हुआ है वो इस गाड़ी को बहुत ही एक अपीलिंग लुक दे रहा है, बहुत ही एक स्टडी सी लुक दे रहा है फ्रंट एंड से। और साइड से अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो इसको ब्लू एसेंस आपको फ्रंट की तरह ब्लू एसेंस आपको साइड से भी इसको देखने को मिलेगा। हालांकि अभी इसमें ORVMs भी इसमें इंस्टॉल नहीं किए गए हैं, हालांकि अभी ये कंसेप्चुअल स्टेज में है और अभी प्रोडक्शन इसकी स्टार्ट नहीं हुई है। और साइड से आपको इसको स्टैंडर्ड eXuv300 की जो हमें सब 4 मीटर की स्पेस मिलती है वैसे ही बिल्कुल इसकी शेप रहेगी। हालांकि टायर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये अभी कंसेप्चुअल स्टेज में है और अभी ये प्रोडक्शन में नहीं आए हैं। हालांकि ये अभी इस पर व्हील कैप्स हैं ब्लू एसेंस के साथ, बहुत ही एक अच्छी लुक दे रहे हैं इसमें। और ब्लू लाइनिंग जो इसमें है इस गाड़ी के व्हीकल में बहुत ही एक अच्छी लुक दे रहा है। बैक साइड से अगर मैं बात करता हूँ तो जो हमने फ्रंट में जो हेडलैम्प्स में हमें डायमंड शेप्ड दिखी थी, वही इसके रियल टेल लैम्प्स में भी हमें डायमंड शेप थोड़े से शॉर्ट फॉर्म में दिखेंगी। और eXuv300 की बैजिंग विद महिंद्रा का लोगो आपको ऊपर मिल जाएगा। और ब्लू लाइनिंग इस गाड़ी में बड़ी ही यूनिक सी एक अट्रैक्टिव सी चीज़ है, वो हमें देखने को मिल जाएगी। बैक से इंडिकेटर्स भी डायमंड कट शेप्ड में है, और नीचे आपको स्टडी रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे, और बैक साइड की जो शेप है वो भी एक यूनिक सी है। और साइड के डायमेंशंस सेम एज स्टैंडर्ड eXuv300 महिंद्रा की तरह सेम रहने वाली है, वही बूट स्पेस रहने वाला है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। सो एट द एंड अगर मैं बात करता हूँ तो महिंद्रा इस व्हीकल को लॉन्च करने की तैयारी में है एट द एंड ऑफ दिस ईयर एज एक्सपेक्टेड, और इन द मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर 2021 में इसको लॉन्च करने की तैयारी में है महिंद्रा। और इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो अभी तक हमें पता लगी है, वो होगी 15-20 लाख के बीच में। और इसकी बैटरी स्पेसिफिकेशंस अभी तक महिंद्रा ने रिवील नहीं की है। तो जहाँ तक अभी हमें पता लगा है कि महिंद्रा जो इसकी बैटरी स्पेसिफिकेशंस रखने वाला है वो 2 वेरिएंट्स में रखने वाला है, एक लोअर वेरिएंट है और एक अपर वेरिएंट है। जो लोअर वेरिएंट है उस बैटरी का जो किलोवाट आर है वो आई थिंक 39-42 किलोवाट आर की बैटरी रहने वाली है, और उसकी जो रेंज होगी वो 300 किलोमीटर्स के अराउंड होगी। और उसके बाद जो महिंद्रा अपर रेंज की जो एक eXuv लॉन्च करेगा उसकी जो बैटरी रेंज होगी वो काफ़ी बढ़िया होगी, वो आपको अप टू 400-500 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करेगा। और उसकी जो बैटरी स्पेसिफिकेशंस होगी वो 60 किलोवाट आर के अराउंड होगी, और 400-500 किलोमीटर की उसकी डिलीवर्ड रेंज होगी। तो ये 2 वेरिएंट्स महिंद्रा लॉन्च करने की तैयारी में है, और इस व्हीकल को लॉन्च करेगा 2021 में एज एक्सपेक्टेड। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए ऑटो एक्सपो 2020 में मेरे साथ, मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। टिल देन, बाय बाय, विश यू गुड लक।